हाँ दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वाराणसी के गंजारी गांव में बनने वाले वाराणसी के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्या निर्माण कार्य हुआ है और क्या चल रहा है। जैसा कि मालूम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जल्द ही वाराणसी आगमन होगा और जिस पर इसका निर्माण कार्य उसी समय शुरू होगा। फिलहाल इसकी तैयारी चल रही है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको गंजारी गांव में बनने वाले वाराणसी के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को। ये रिंग रोड है जहां से मैं आपको ले चल रहा हूं। आगे की तरफ ही गंजारी गांव है और इस रिंग रोड के ठीक किनारे में ही स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। आपने देखा गंजारी गांव और इसके आगे क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। गंजारी गांव का यहां पर बस स्टॉप था और आगे में ही भव्य तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री जी के आगमन की भी तैयारी चल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पंडाल का निर्माण कार्य यहाँ पर। मोदी जी का आगमन है और उसके बाद इस परियोजना में काफी तेजी आएगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर पंडाल का भी काम चल रहा है और ये जगह है रिंग रोड से किनारे। सभी ट्रकों में टेंट के लिए ये कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के गंजारी क्षेत्र में एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। स्टेडियम की अनुमानित लागत करीब 450 करोड़ रुपए है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं और 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन UPCA की सक्रिय भागीदारी से शिलान्यास समारोह एक भव्य आयोजन होने की उम्मीद है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस महत्वपूर्ण अवसर पर कई स्टार क्रिकेटरों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर इस गंजारी स्टेडियम में तैयारी चल रही है। चल रहे काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कलाकार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें समारोह में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इस सांस्कृतिक उत्सव के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस आयोजन में शामिल होने के लिए वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो LNT ने प्रस्तावित स्टेडियम के डिज़ाइन और ड्राइंग को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। अगले चरण में UPCA से अनुमोदन प्राप्त करना और वन और भूजल जैसे विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना शामिल है। ये जरूरी औपचारिकताएं अभी चल रही हैं। एक बार उपरोक्त औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद LNT अधिग्रहित भूमि को समतल करने और स्टेडियम के लिए चार दीवारी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देगा। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि शेष 350 करोड़ रुपए
का उपयोग स्टेडियम के निर्माण के लिए किया जाएगा। करीब 450 करोड़ रुपए की इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 30,000 दर्शकों को समायोजित करने में सक्षम होगा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी के लिए तैयार होगा। इसके अतिरिक्त स्टेडियम के आसपास सड़कों और अन्य अनावश्यक सुविधाओं का विकास निकट भविष्य में शुरू होने की उम्मीद है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की जा रही है और अन्य सुविधाओं को लगाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा और इसका शिलान्यास होगा। देखें, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर व्यवस्था चौबंद किया जा रहा है, पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है इस जगह का। आगे आप देखेंगे कि सामने टेंट निर्माण कार्य चल रहा है। वाराणसी के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास होगा और आधारशिला रखी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।